आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब वास्तव में अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और इस विषय पर थोड़ी बात। मित्रों, आपने भी देखा या फिर महसूस किया ही होगा कि आपके आसपास अच्छे कर्म और पूजा पाठ में लीन रहने वाले लोगों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती, जितनी कि दुष्ट और अधर्मी लोगों की होती है। और ये सब देखकर आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल जरूर आई होगा, आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता। परंतु आज अधिकतर जनमानस ऐसे के बारे में नहीं जानते, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि वे धर्म ग्रंथों से सही से पढ़ते नहीं या फिर उसमें लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। धर्म ग्रंथों में भगवद गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का हल बताया गया है। भगवद गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी, वो उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपया कर मुझे ये बताइए, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा दिखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता वो सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म करना तो मनुष्य पर निर्भर करता है। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि वो किस राह पर जाना चाहता है, ये व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था, जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोज मंदिर जाना नहीं भूलता, ना ही दान धर्म के कार्य में किसी प्रकार की कमी रखता था। कुछ भी हो जाए, वह नित्य भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा पुरुष पहले से बिल्कुल ही विपरीत था। वो प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था, इतनी ही लेना देना था कि मंदिर जाकर वहाँ चोरी किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोरों की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया, अभी सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का, और वो बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उस व्यक्ति ने पंडित जी से नजर बचाते हुए मंदिर में मौजूद सारे जेवरात चुरा लिए और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म क्रम में विश्वास करने वाले व्यापारी भी मंदिर में पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उसे भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस व्यापारी को ही चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। यह देखकर वो भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह किसी तरह लोगों की उसे बचता बचाता उस मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई, जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह नाचता हुआ और जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी की बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और भगवान से नाराज होते हुए अपने जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख उदित स्वर में यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे जीवन भर अपमान और दर्द ही मिला, और इस धर्म करने वाले पापी व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो, जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी वह वास्तव में उसी दिन तुम्हारा जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र,
दरअसल इस भाग्य में आज ये योग था जो कि इसकी तुष्य कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को ये कथा सुनाने के बाद कहते हैं, पार्थ क्या तुम्हें अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? ऐसे सोचने की भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहे हैं ये मनुष्य की समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है और आपके परिवार पे भी बनी रहती है। तो इस कहानी से ये पता लगता है कि आपको कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपकी जरूर मिलता है, बस आपको पता नहीं चलता।